हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग चैप्टर नंबर फोर्टीन राजूज फार्म तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने पार्ट वन देखा था टुडे वी विल सी पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट द ओनियन क्रॉप वी हैव टू स्टार्ट विथ द ओनियन क्रॉप एवरीवन एट होम इज हैप्पी सो घर में सब लोग क्या हैप्पी है दिस टाइम द ओनियंस आर बिग एंड ऑफ गुड क्वालिटी तो इस बार जो ओनियंस है वो कैसे है बड़े भी है और उसकी क्वालिटी भी क्या है बहुत ही अच्छी है गुड क्वालिटी है मदर एंड आंटी यूज़ द लेगी नाइफ लाइक इंस्ट्रूमेंट टू कट द ड्राई लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियंस तो जो मदर एंड जो आंटी है वो ओनियंस के जो ड्राई लीव्स है उसे कट कर रही है किसे कट कर रही हो तो इलीगी से इलीगी मतलब जिसे हम गुजराती में क्या कहते हैं दातरडू कहते हैं तो दातरडू को इंग्लिश में कहते हैं वो नाइफ़ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका वो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैसा होता है नाइफ मतलब कि चाकू की तरह होता है उसे क्या कहते हैं इलीगी कहते हैं द इलेगी इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स तो आप लोगों को बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो हम जब ही लीव्स कट करते हैं तो लीव्स कट करते टाइम हमारे फिंगर्स कट ना हो जाए उसका ध्यान हमें रखना होगा फादर एंड अंकल फिल द सेक विथ ओनियंस फादर एंड अंकल्स क्या करते हैं ओनियंस के जो सेक मतलब कि जो बैग्स होती है उन्हें क्या कर रहे हैं वो भर रहे हैं फादर विल टेक दैम इन ए ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट और जो फादर है वो बड़े ट्रक में सारे सेक्स को भर कर कहा जाते हैं बिग मार्केट मतलब की बड़े मार्केट में जाते है राइट आंसर इन योर नोटबुक इन विच कोर्स राजू हेल्प हिज फादर तो जो राजू है वो कैसे अपने फादर को हेल्प करता है सो आंसर इज देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा राजू हेल्प्स हिज फादर इन द फॉलोइंग वेस टू लूज़न एंड सॉफ्टन द सॉइल इन द फील्ड तो फील्ड में जो सॉइल होती है उसे लूज़न और सॉफ्टन करने के लिए वो मदद करता है टू विड आउट अननेसेसरी प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड और जो जंगली घास होती है उसे निकालने में मदद करता है टू हार्वेस्ट द अनियन क्रॉप्स और अनियन क्रॉप्स की कटाई में मदद करता है टू फील द ओनियंस इन सेक्स और सेक्स में मतलब कि जो ओनियंस के बैग्स होती है उसमें ओनियंस को भरने के लिए वो मदद करता है तो इस तरह राजू अपने फादर को हेल्प करता है कॉर्स मतलब काम नेक्स्ट इज देर एनी फील्ड नियर योर हाउस वॉट इज ग्रोन देर तो अगर आपके आजू बाजू में कोई फील्ड है मतलब कि कोई खेत है तो वहाँ पर कौन से प्लांट्स ग्रो हुए हैं वो आपको देखना है इफ़ इज देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस व्हाट इज ग्रोन देयर तो वहाँ पर क्या ग्रो किया गया है वो आप लोगों को देखना है और फिर लिखना है कि कैसे कैसे जो फील्ड्स के अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं वो आपको देखना है तो आप लिख सकते हो कि येस देर इज़ अ फील्ड एट अ लिटल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस क्रॉप्स आर वीट क्रॉप्स लाइक वीट मिलेट पलसीस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन तो इस तरह के क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो किए जाते हैं चलो नेक्स्ट राजूज फादर टेक्स द ओनियन टू द मार्केट इन ए ट्रक जो राजू के फादर है वो ओनियंस किस में लेकर जाते हैं ट्रक में लेकर जाते हैं थिंक हाव वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ देर वेर नो प्रोपर प्रॉपर रोड्स अगर प्रॉपर रोड्स नहीं हैं तो किस में भरकर लेकर जाते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो इफ़ देर वर नो प्रॉपर रोड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वुड हैव टू बी टेकन टू अनदर प्लेस इन अ टेम्पो ए हैंड कार्ट और अ बुलक कार्ट अगर प्रॉपर रोड नहीं है तो हम किस में लेकर जा सकते हैं टेम्पो में लेकर जा सकते हैं या फिर हैंड कार्ट में लेकर जा सकते हैं या फिर बुलक कार्ट में लेकर जा सकते हैं तो इस तरह हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को मार्केट में ले जा सकते हैं नेक्स्ट वॉट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्रॉ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दिस व्हीकल इन योर नोटबुक सो आंसर इज व्हीकल्स लाइक ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉलीज टेम्पोस बुलक कार्ट्स कैमल कार्ट्स पैडल रिक्शाज हैंड कट्स एक्सेट्रा आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए हम ये सारे व्हीकल्स यूज कर सकते हैं लाइक ट्रक्स ट्रैक्टर ट्रॉलीज़, टेम्पोज बुलट कार्ट कैमल कार्ट्स पैडल रिक्शाज हैंड कट्स एक्सेट्रा ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट फाइंड आउट एंड राइड गीवन हियर आर पिक्चर ऑफ सम टूल्स यूज बाई राजूस फैमिली राइड द नेम्स ऑफ द टूल्स तो यहाँ पर टूल्स दिए गए हैं जो राजू की फैमिली यूज़ करती है वैसे सारे टूल्स के पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं सो अल्सो राइट वॉट आर दिस कॉल्ड इन योर एरिया मतलब कि आपके एरिया में ये जो यहाँ पर टूल्स ड्रॉ किए हुए हैं उसे क्या कहते हैं वो भी आप लोगों को लिखना है और उसका जो रियल नेम है वो भी आप लोगों को लिखना है वॉट वर्क आर दे यूज फॉर और ये जो टूल्स है वो उसका काम क्या है कौन से कामों में ये टूल्स यूज किए जाते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है तो नेम इन चैप्टर जो चैप्टर में नेम दिया है वो हमें लिखना है फिर हमारे एरिया में टूल्स को क्या कहते हैं वो लिखना है और टूल्स का क्या यूज है यूज़ ऑफ़ द टूल्स वो भी हमें लिखना है सो फर्स्ट पिक्चर लुक एट दिस पिक्चर प्रॉपरली ओके लुक एट दिस पिक्चर प्रॉपरली एंड से विच पिक्चर इज गिवन हियर इज़ सो वॉट इज़ द नेम ऑफ दिस पिक्चर सो द नेम ऑफ दिस टूल्स इज प्लाव तो इसे क्या कहते हैं प्लाव कहते हैं तो so, ये वाले जो यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है उसे ये वाले टूल को क्या कहते हैं प्लाव कहते हैं पी एल ओ यू जी एच प्लाव नेम इन योर एरिया तो यस हमारे एरिया में भी इसे क्या कहते हैं प्लाव आप हल भी लिख सकते हो नेक्स्ट उसका यूज क्या है टू प्लाव द फील्ड टू मेक रोज इन द ग्राउंड एंड टू लूजन द सॉइल तो खेत में रोज मतलब कि लाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है और फिर जो सॉयल होती है उसे लूजन करने के लिए भी ये वाले टूल्स को यूज करते हैं प्लाव का यूज करते हैं. नेक्स्ट लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर विच टूल इज गिवन हीर लुक एट दिस पिक्चर एंड से आप बता सकते हो कि इसे क्या कहते हैं येस yes, तो इसे कहते हैं इंग्लिश में पिकेक्स कहते हैं और यहाँ पर चैप्टर में कोदाड़ी भी दिया गया है तो हम लिख सकते हैं कोदाड़ी हमारे एरिया में भी उसे कोदाड़ी कहते हैं और उसका जो यूज़ है वो क्या है टू लूजन सॉइल एंड टू डिग डीचेस ऑन द ग्राउंड मतलब कि सॉइल को लूजन करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और जो ग्राउंड में अगर हमें गड्ढा बनाना है ग्राउंड में तो भी कोदाड़ी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट सो व्हाट इज़ दिस लुक एट दिस पिक्चर एंड से विच टूल इज गिवन हियर सो वॉट इज़ द नेम ऑफ दिस टूल द नेम ऑफ टूल इज़ इलीग बराबर और उसे हमारे एरिया में क्या कहते हैं दाताडू कहते हैं सीथ कहते हैं या फिर सीकल कहते हैं और उसका जो यूज़ है वो क्या है टू कट फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्रॉप्स ग्रैप्स और टू स्लाइस देम तो ये सारे इसका यूज़ क्या है वेजिटेबल्स को कट करना फ्रूट्स को कट्स करना क्रॉप्स या तो फिर ग्रास को कट करना या फिर हमें उसकी स्लाइस बनानी है तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू कल्टिवेट क्रॉप्स तो बहुत सारे स्टेप्स है कल्टिवेट क्रॉप्स मतलब कि जो क्रॉप्स होते हैं उसकी खेती करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं सो लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क डैम इन करेक्ट ऑर्डर तो यहाँ पर नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं तो उसे हमें करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है कि फर्स्ट कौन सा स्टेप है फिर देन सेकेंड स्टेप्स कौन सा है थर्ड स्टेप कौन सा है तो हमें सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखने हैं नंबर देना है फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स दिए गए हैं तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप कौन सा आएगा लुक एट दिस पिक्चर दिस इज़ द स्टेप नंबर वन ये वाला स्टेप क्या है जो हम डिगिंग करते हैं वो स्टेप कौन सा है फर्स्ट स्टेप है फिर नंबर टू स्टेप कौन सा है सोइंग करना है मतलब कि बीज जो बीजा रोपण होता है उसे उसका वो स्टेप कौन सा होता है नंबर टू स्टेप नंबर टू इज सोइंग देन नंबर थ्री नंबर थ्री में क्या है देखो आप देख सकते हो नंबर थ्री में क्या है लुक एट दिस पिक्चर इन नंबर थ्री तो नंबर थ्री में क्या है जो वीड्स होते हैं उसे निकालने का काम है फिर नंबर फोर नंबर फोर क्या है हार्वेस्टिंग लुक एट दिस पिक्चर हार्वेस्टिंग कटाई कर रहे हैं और नंबर फाइव क्या है यहाँ पर जो क्रॉप्स हमने ग्रो किया है उसे निकालने का काम है और नंबर सिक्स में क्या है उसे भरना है जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे भरना है नेक्स्ट वॉट आर द क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन योर एरिया राइट डैम्स तो आपके एरिया में कौन से क्रॉप्स की खेती होती है वो आपको यहाँ पर लिखना है सो नंबर वन इज वीट मतलब कि गेहूँ मिलेट बाजरा मेज मकाई जवार जुआर पल्सिस तो कठोड़ बार्ली तो जव कैस्टर तो एरंड मीन्स की एरंडा क्यूमिन सीड्स मतलब कि जीरा तो ये सारे जो क्रॉप्स है उसकी खेती होती है दिस ऑल द क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन अवर एरियाज नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑफ ए क्रॉप दैट इज़ ग्रोइंग इन योर एरिया एंड राइट डिटेल्स इन योर नोटबुक तो ये वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो नोटबुक वाला पार्ट है हार्डवर्ड्स वाला वीडियो उसमें हम ये वाला पार्ट भी उसके साथ ही देखेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ये सब फिलअप करना है सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फिलअप करने हैं बाय स्टूडेंट्स थैंक यू